वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लर्न ब्रेंड के करंट अफेयर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका दोस्त जीवन, आप सभी के लिए मैं बुक्स एंड ऑथर की पार्ट टू की सीरीज लेके आया हूँ फिर से एक बार। जो स्टूडेंट यूपीएससी पीएससी अपना रेलवेज और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इन किताबों पर एक बार नज़र मार लेते हैं और शायद इनमें से कोई ना कोई किताबें आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे स्टूडेंट्स अपना नए हैं, नए दोस्त जो बने हैं हमारे साथ, उन सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर का सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में नहीं पता, उनकी सीरीज़ नहीं है अभी तक उन्होंने देखी, उन सभी तक पहुँचाने के लिए अपना शेयर भी करते रहिए। और अगर कोई किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत है या पीडीएफ वगैरह नहीं मिल रही है, तो उन सभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, तो आप उस स्क्रीन पर लगे नंबर पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे हाई लिख के भेज सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ऑल्सो अवेलेबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू होने के बाद क्लास के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हम नहीं चाहते कि अपना जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और डेडिकेटेड पढ़ रहे हैं तो उनको क्लास के बीच में किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट या अनाउंसमेंट के बारे में पता चले। या तो अनाउंसमेंट आपको सभी को शुरू में मिलेगी या फिर आपको अनाउंसमेंट सबसे आखिरी में मिलेगी। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए क्लास की ओर। अगली किताब का नाम है सूर्यवंशम, जिसे लिखा है शिव शंकरी जी ने, जो तमिलनाडु के राइटर है और इनको 2022 में सरस्वती सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। याद रखने वाली बात सभी स्टूडेंट्स के लिए कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही सरस्वती सम्मान अवार्ड हमेशा दिया जाता है। तो एक बार फिर से दोहराइस कर लेते हैं, सूर्यवंशम किसने लिखी है? शिव शंकरी जी ने, जो तमिलनाडु के राइटर है और उनको जो है सरस्वती सम्मान 2022 का अवार्ड मिला। और किसने? अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है पी वाई आर्य बिहारी, जिसे लिखा है प्रमोल मुर्गन जी ने, जिसे ओरिजिनली हमने तमिलनाडु में लिखा था लेकिन अब इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लिया है। तो ये किताब भी पढ़ने लायक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं सारी किताबों के, अगर कोई स्टूडेंट या फ्रेंड्स परचेज करना चाहे तो नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन से ये किताब परचेज कर सकता है। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है होम इन दी वर्ल्ड, जिसे लिखा है अमृता सेन जी ने। ये मिस्ट भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। तो किताब का नाम है होम इन दी वर्ल्ड और किसने लिखा है? अमृता सेन जी ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित भी किया गया है। चलिए अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जिसके ऑथर हैं मिथिलेश तिवारी जी और इनके अंदर इस किताब के अंदर उनकी ऑटोग्राफी लिखी गई है। वो कैप्टन इनको फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि इनके फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं। और तो इस किताब का नाम याद रखना बच्चों, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर इंडियन फ्रीडम, जिसे लिखा है पी साईनाथ जी ने द्वारा। जैसे कि किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि द लास्ट हीरो द फुट शोल्डर इंडियन फ्रीडम, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए वो आखिरी सोल्जर जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और उन किताब काफ़ी अच्छी है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे हीरोज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ना तो बनता है, एक बार ज़रूर पढ़िएगा अगर टाइम समय लगे तो। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है द लास्ट इन दी लिवेंस ऑफ लॉ, जिसे लिखा है मनोज मिट्टा जी ने। इस किताब के अंदर एक एक्ट था 1850 का, डिसेबिलिटी का एक एक्ट था 1850 का, तो उसके रिमूवल के बारे में बताया कि किस तरीके से उसको रिमूव कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें किताब को पढ़ सकते हैं एक बार। स्टूडेंट्स किताब का नाम मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को 2 से 3 बार रोज़ एक बार देख लीजिएगी, रिवाइज कर लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड काफ़ी है तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। द बीटल एंड द मनी बग, द बैंक बाजार गाइड टू फाइनेंशियल वर्ल्ड, जिसे लिखा है अधिलेश सेट्टी जी ने और एआर हेमंत जी ने। इस किताब के अंदर जो है एआर हेमंत जी जो है वो फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं और एक कम्युनिकेशन हेड भी हैं, कहाँ के? बैंक बाजार के। तो इस किताब के अंदर आप किस तरीके से अपना फाइनेंस या अपने पैसे को, वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, तो इस किताब के अंदर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह लिखी हैं, शायद आप सभी के काम आ जाए। तो जिन बच्चों को अपना फाइनेंस में रुचि रहती है, सेविंग्स में रहती है, तो इस किताब के जरिए पढ़ के थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है सुप्रीम कोर्ट कमर्शियल, जिसे रिलीज़ किया गया है डॉक्टर मनोज कुमार जी ने, और इसको रिलीज़ किया गया है। और इस किताब के अंदर जजमेंट्स हैं और कवरिंग एट्रिब्यूशन है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा जो स्टूडेंट्स लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। नचाक्षी किताब का नाम है जिसे रिलीज किया है धोनी जी ने, और इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी हमारे प्रोफेसर के किताब का नाम। अगली किताब का नाम है द योगा सूत्र रिटन बाय द, अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, जिसे लिखा है हमारे इंडियन ऑथर हैं अपना रूपा पाई जी ने। इस किताब के अंदर बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए अपना योगा के माध्यम से, क्योंकि एक छोटी उम्र में बच्चों को योगा सिखाना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क सा रहता है। तो इस किताब के अंदर काफ़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को योगा की ओर मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना योगा की चीज़ें सीख सकें और हेल्दी रह सकें। अगली किताब की ओर बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है मुंडका प्रसाद द ब्रिज ऑफ इमोरलिटी। आपको पता होगा कि ये किताब जो है डॉक्टर करण सिंह जरा द्वारा लिखी गई है, और रिलीज़ किसने की है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ जी ने। आप करण सिंह जी जान लेते हैं, डॉक्टर करण सिंह जी कौन है। डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उनके लड़के हैं, उनके साथ चांसलर हैं अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और जम्मू एंड कश्मीर के भी हैं। तो आपको याद रखना है कि आप अगली किताब की ओर पढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पेंसरी ऑफ थॉट। अगली किताब और दूसरी किताब लिखी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमंस चेन्नई, प्रोफेसर धर्मलिंगन द्वारा किताब लिखी गई है, और इस किताब को जो रिलीज़ किया आर एन रवि जी ने, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। ये स्टूडेंट्स अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी डॉन, DAWN डॉन है, वो दूसरा वाला डॉन नहीं है, डॉन दूसरा वाला है, DAWN डॉन वाला, जो रिटर्न बाय किसने लिखा है, अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखी गई है, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो इंडो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इस किताब को एडिटेड किया है अभय कुमार जी ने, और इसको रिलीज़ किया है हमारे समीर कुमार महेश जी ने, जो बिहार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं। किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है क्रॉस कोट, जयदीप मुखर्जी के द्वारा लॉन्च की गई है। इनके अंदर किताब के अंदर उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। आप जान भी हैं जिन स्टूडेंट्स के, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये किताब उनके बारे में जान सकते हैं अधिक से अधिक, तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। चलिए अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है कोचिंग बियॉन्ड माय डे विद दी इंडियन क्रिकेट टीम, जिसे लिखा है आर सिद्धार्थ एन आर कौशिक जी ने। आर सिद्धार्थ जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल इंडिया की क्रिकेट टीम को दिए हैं। वो इंडिया क्रिकेट टीम के अंदर एक फील्डिंग कोच के रूप में उन्होंने काम किया है, और जिससे उनको आज भी जाना जाता है। तो चलिए अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी, कह रहे हैं कि 1947 से लेकर 1979 तक हमने किस तरीके से, हमारे कितनी बार अपना फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, और उन्होंने किस तरीके से हमारे को और हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया है, और हमारे को इमरजेंसी के दौर से बाहर निकाला है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, AK भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है, वो एक जर्नलिस्ट भी थे। इस किताब के अंदर आपको मिलेगा अबाउट द रूल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर टू गिव द स्कोप ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 30 ईयर्स। अगली किताब का नाम है पार्टीशन फ्रीडम, लिखा है राम माधव जी ने, राम माधव इंडियास चाइना 50 ईयर्स ऑफ वॉर, जिसको पब्लिश किया गया है अपना पार्टीशन फ्रीडम को पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, और रिलीज़ किया है आसाम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया जी। तो एक बार फिर देख लेते हैं, पार्टीशन फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, राम माधव जी के द्वारा। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट, जिसे लिखा है डॉक्टर पीकी मोहन जी के द्वारा। उनकी एक किताब थी मातृभूमि, जिसे बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखना बच्चों, इसके अंदर 2 किताबें आ गई हैं, एक वंडर्स किंग ऑफ एंड मर्चेंट, और दूसरी है मातृभूमि। मातृभूमि किताब को बुक ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, और ये दोनों ही किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं, डॉक्टर पीकी मोहन जी के द्वारा। कभी कभी एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स ऑथर के नाम आ जाते हैं, तो बुक्स का नाम बताना पड़ता है, बुक्स का नाम आ जाता है तो ऑथर का नाम बताना पड़ता है। तो याद, चलिए अगली बुक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली बुक का नाम है वॉर एंड वुमेन, जिसे लिखा है डॉक्टर एम ए हुसैन जी ने द्वारा। एक स्टोरी है बंगाली वुमेन की, जो बांग्लादेश में थी 1971 में, उसके द्वारा उस पर हुए अत्याचारों के बारे में बताते हैं, तो उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। किताब का नाम है डीमन कॉपरहेड। डीमन कॉपरहेड जो किताब लिखी है वो लिखी गई है बारबर किंग्सलोव के द्वारा, जिन्हें 2023 में फिक्शन फ्यूजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बच्चों नाम याद कर लेना, डीमन कॉपरहेड किसके द्वारा लिखी गई है, बारबर किंग्सलोव के द्वारा। थोड़ा अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नेम है, तो थोड़ा सा अपडेट करने में भी परेशानी हो सकती है, या थोड़ा याद करने में थोड़ी सी
टफनेस आ सकती है, लेकिन आसान है, 102 बार रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। डीमन कॉर्पोरेट किसके द्वारा लिखी गई है? बार बार किंग स्लोफ के, जो 2023 में फिक्शन फ्यूजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है माफिया क्वींस ऑफ इंडिया, जिसे लिखा है हुसैन जियादी जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अपना लाइक शेयर नहीं किया है तो उनसे एक बार लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे अभी भी नए आए हैं उन सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर आपको पूरी सीरीज़ देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, और जिनको समझ में आ गया वो थैंक यू भी लिख के भेज सकते हैं कमेंट में। हमारी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है स्पीयर मेमोरी ऑफ प्रिंस हैरी। एक्चुअली इस किताब के अंदर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और एक ब्रिटिश में एक राज परिवार से थे जिन्हें उनके परिवार से अब निकाल दिया गया है, तो इस किताब के अंदर उनकी ऑटोबायोग्राफी। स्टूडेंट्स, अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है लाइफ इन डिज़ाइन, जिसे लिखा है गौरी खान। आप जो डिज़ाइनिंग में जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और एक जाने माना नाम है उनको इंडस्ट्री के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर, जिनकी किताब का नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन। याद रखना बच्चों, छोटा सा आसान सा है, हर कोई आसानी से याद कर सकता है। माई लाइफ इन डिज़ाइन किसके द्वारा लिखी गई है? गौरी खान जी के द्वारा, क्योंकि गौरी खान जी खुद एक डिज़ाइनर है, एक फेमस सेलिब्रिटी है, तो याद करने में आसानी होगी। अगली किताब का नाम है, अगली किताब ग्लोबल ट्रेड पैराडिगम रीथिंकिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन दी पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। कहने का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल ट्रेड है, और पैंडमिक वर्ल्ड मतलब पैंडमिक वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से हमारा ग्लोबल ट्रेड आगे बढ़ा, रीथिंकिंग हुई इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीके से आए उतार चढ़ाव, तो उस सभी के बारे में बताता है, जिसे लिखा है अरुण कुमार जी ने। स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो स्टूडेंट्स या आपके भाई या सिस्टर या अदर कोई LLB की तैयारी कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस अपना YouTube पे हम अवेलेबल करा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वहाँ से अपना अदर UPSC वगैरह की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना LLB क्लैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को LLB की तैयारी की पूरी फैसिलिटी मिल रही है, तो हमसे जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए आपको WhatsApp पे नंबर दिख रहा होगा